नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिवा क्लासेस में। सो आज के इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, दल बदलने के विरुद्ध कानून क्या होता है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियो की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलने के विरुद्ध कानून, ये होता क्या है और ये कब चालू किया गया। तो इसके बाद करें तो इसको हम 10th शेड्यूल में रखा गया है, 10वीं अनुसूची में रखा गया है। जो ये और अनुसूची जोड़ी गई थी, आपको जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद कुछ संविधान संशोधन हुए तभी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसके बाद में आप क्या है कि 10th शेड्यूल जो जोड़ी गई थी वो 52वें संविधान संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 को ये अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को रखा गया था। अब एंटी डिफेक्शन लॉ को रखा गया था तो इस अनुसूची के बाद क्या हुआ था कि इस अनुसूची में जो 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर अगर ए पार्टी से बी पार्टी में जाते हैं तभी क्या होगा, वो पार्टी मर्ज होगी, मतलब उनमें उनके बीच में गठबंधन होगा। अगर इससे कम मेंबर जाते हैं तो उन सभी मेंबर के बीच में क्या लगाया जाएगा, उन सभी मेंबर के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया जाएगा, दल बदलने के विरुद्ध कानून लगा दिया जाएगा और उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में क्या हुआ, अब जब 1/3 सदस्य थे तो 1/3 सदस्य बहुत कम होते थे, तो इसके बाद में 91वां संविधान संशोधन, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2003 में आया था, इसमें क्या किया गया, इस 1/3 को चेंज करके अब क्या कर दिया गया, 2/3 कर दिया गया कि 2/3, 2/3 मेंबर ए पार्टी से अगर बी पार्टी में जाएंगे तो क्या होगा, तभी वो पार्टी मर्ज कर पाएगी, वरना इससे कम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनके सभी नेताओं के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया जाएगा, दल बदलने के विरुद्ध कानून लगा दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो किसने ऐड करवाया था, तो इस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हीं की कैबिनेट मंत्रिपरिषद ने इस लॉ को ऐड किया था। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था राजीव गांधी, तो राजीव गांधी जी ने इस नियम को लाया था, राजीव गांधी जी इस नियम को लाए थे। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद में क्या होता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस किस तरीके से लगाया जाएगा, कि किस तरीके से लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएंगे और कब पार्टी मर्ज होगी। तो आपको जैसा कि बता चुके हैं, जब 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, तब एंटी डिफेक्शन लॉ को जोड़ा गया था और इसे 10वीं अनुसूची में रखा गया था। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी। और इसके बाद में क्या नियम लाया गया था कि अगर कोई ए पार्टी है, ए पार्टी के 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर अगर बी पार्टी में जाएंगे तभी वो आपस में मर्ज कर पाएगी, मतलब गठबंधन हो पाएगा, और इससे कम मेंबर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, उनके सभी मेंबर के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया जाएगा, दल बदलने के विरुद्ध कानून लगा दिया जाएगा। अब 1/3 बहुत कम मेंबर होते थे, तो इसके बाद में 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। तो इस संशोधन के तहत क्या किया गया था कि जो 1/3 मेंबर है इनको क्या कर दिया गया था, 2/3 में परिवर्तित कर दिया गया था कि अब यह 1/3 ना होकर 2/3 मेंबर अगर दूसरी पार्टी में जाएंगे तभी क्या होगा, उनके बीच में गठबंधन होगा, मर्ज कर पाएंगी, अन्यथा इससे कम जाएंगे तो उन सभी के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया जाएगा। और इसी के साथ में क्या होता था कि आगे बढ़ेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन की, किस किस तरीके से इनके बीच में डिस्क्वालिफिकेशन होगी और क्या क्या नियम लगाया जाएगा जिससे वो डिस्क्वालिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम डिसीजन के ऊपर में, अगर किसी पार्टी की कोई मीटिंग हो रही है और उसके जितने मेंबर मीटिंग में भाग ले रहे हैं तो सबसे जो नंबर वन पे पॉइंट आता है वो आता है डिसीजन का पॉइंट किस तरीके से आता है कि मान लो किसी ए पार्टी है, इसकी मीटिंग चल रही है और इसके जितने भी मेंबर हैं, तो इसके कितने जितने भी मेंबर होंगे उस मेंबर से क्या होगा कि किसी ने भी जिसने भी कह दिया कि ये डिसीजन मुझे पसंद नहीं है, नो कह दिया, और बल्कि पार्टी जो पार्टी का मेन डिसीजन होगा वो यस के थ्रू आना है कि यस करना है, लेकिन जिस किसी मेंबर ने कह दिया कि मुझे ये डिसीजन पसंद नहीं है और उसने नो कह दिया तो उसके ऊपर डिफेक्शन का नियम लगाया जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाएगा, डिफेक्शन का नियम लगाया जाएगा कि वो दूसरी पार्टी के तहत काम कर रहा है और जो मेरी पार्टी का डिसीजन है, जो ए पार्टी का डिसीजन है उसको इनकार कर रहा है और दूसरी पार्टी के डिसीजन पर राजी कर रहा है, तो इसके तहत उसके ऊपर डिफेक्शन का नियम लगाया जाएगा। और इसके बाद दूसरी जब बात आती है तो दूसरा पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट का, जब इलेक्शन होते हैं तो इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट जो खड़े होते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट लोग नॉमिनेशन करते हैं, तो उनके लिए क्या आता है कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं, तो अगर ये मेंबर जीतने के बाद, मान लो जीत जाएं, अगर ये मेंबर इलेक्शन में जीत जाएं और जीतने के बाद 6 महीने के अंदर, अगर 6 महीने के अंदर वे किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लें, कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो उनके ऊपर डिफेक्शन का एंटी डिफेक्शन नियम लगा दिया जाएगा, दल बदलने के विरुद्ध कानून लगा दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप निर्दलीय खड़े हुए थे, स्वतंत्र रूप से खड़े हुए थे, इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, तो आपने 6 महीने के अंदर पार्टी क्यों ज्वाइन कर लिए, तो इसके लिए उस पर एक नियम लगा दिया जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया जाएगा, जो 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। और इसके बाद में एक और पॉइंट आता है कि अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, अचानक से रिटायरमेंट ले ले पार्टी से, तो उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ का नियम लगाया जाएगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ का नियम लगाया जाएगा कि आखिर आपने रिटायरमेंट क्यों लिया, किसके दबाव में आकर लिया, क्या आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसी के तहत ये नियम लगाया जाएगा। इसके बाद में आपको एक बात और बता दें कि जो ये होगा, अगर जिस दिन पार्टी की मीटिंग होना है, जिस दिन डिसीजन लेना है, उसके 15 दिन पहले अगर कोई मेंबर कहते कि मैं उस दिन नहीं आ सकता, मैं उस दिन नहीं आ सकता है, आ सकता हूं, तो उसके ऊपर डिफेक्शन का नियम नहीं लगाया जा सकता है। और इसके बाद में क्या होता है, तो ये तो पार्टी के ऊपर बात हो गई। एक तरीका और होता है डिफेक्शन लगाने का, कि अगर मान लो आपने नॉमिनेशन फाइल किया, इलेक्शन कमीशन को आपने किसी भी इलेक्शन में खड़े होने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है, और उसकी जो क्वालिफिकेशन दी जाती है कि आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, या फिर आप भारत के नागरिक हो, या फिर अदर जो क्वालिफिकेशन दी जाती है, इसमें मान लेते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं, कि बात की गई कि आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कि मतलब आप किसी भी कार्यालय में कार्यरत नहीं हो, तो ये चीज, और आपने ये बात होती है क्वालिफिकेशन की, और इस क्वालिफिकेशन को आप ना पूरा करते हुए आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, आपने फिर भी क्या कर दिया, नॉमिनेशन फाइल कर दिया और आप इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन में अगर आप जीत भी जाते हैं तो तब भी आपके ऊपर क्या होगा, एंटी डिफेक्शन नियम लगाया जाएगा, दल बदलने के विरुद्ध कानून लगाया जाएगा। और ये कानून कौन लगाएगा, एंटी डिफेक्शन, जब आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखते हैं, मतलब आप जिस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके तहत आप डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे, तब आपके ऊपर ये नियम प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों लोग मिलकर लगाएंगे। और इसके बाद में अगर आप डिसीजन या इंडिपेंडेंट या वॉलंटरी रिटायरमेंट के थ्रू अगर आपके ऊपर डिफेक्शन लगाया जा रहा है, तो ये आपको, आप जैसे अगर लोकसभा के मेंबर हैं, तो लोकसभा के चेयरमैन, यानी मतलब जो लोकसभा का चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर होगा, तो वो आपके ऊपर डिफेक्शन का नियम लगाएगा। और अगर आप राज्यसभा के मेंबर हैं, तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा, तो वो आपके ऊपर डिफेक्शन का नियम लगा जाएगा। और लोकसभा की बात करें, तो पहली लोकसभा है जो 1952 में बनी थी, जिसके जो पहले लोकसभा स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर, और पहली महिला लोकसभा स्पीकर उनका नाम था मीरा कुमार, और इसके बाद में सुमित्रा महाजन बनी थी। और इस समय जो करेंट टाइम में 17वीं लोकसभा चल रही है, उसके जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी से हैं, और ये 17वीं लोकसभा चल रही है। और इसके बाद राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा का जो है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, वो डिफेक्शन लगाएगा। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और जीमेल आईडी पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।